मरकट वाले बाबा जी का मंदिर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं मरघट वाले बाबा जी के मंदिर में गया था, मैं जस्ट उसका एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मरघट वाले बाबा, यहाँ पर भगवान हनुमान जी को कहा गया है। तो सुबह से मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी, मतलब मैंने एक फिजिकल टारगेट ले रखा है कि मैं एक दिन में एक वीडियो तो डालूंगा ही यूट्यूब पर, बट सुबह से मैंने कोई वीडियो डाली नहीं थी यूट्यूब पर। सोचता रहा किस बारे में डालूं, कौन सी डालूं, दिमाग में चलता रहा। थोड़ी बहुत एंजाइटी भी रही हल्की फुल्की कि मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली। और शाम को मेरे दोस्त का कॉल आता है, करीबन जो मेरा प्रोफेशन होता है मैं उसमें लगा हुआ था बिल्कुल, और कोई कहीं जाने का प्लान नहीं था। रात के 8 बजे उसका कॉल आता है और वो कहता है कि मरघट वाले बाबा के मंदिर चलना है, क्या तुम चलोगे? उसने भी ऐसे ही कैजुअली कॉल लगा दिया, ज़्यादातर वो अकेले ही जाता है। तो पता नहीं मेरे भी मुँह से एकदम से निकल गया, ठीक है भाई चलते हैं। और उस टाइम मेरा काम भी जो है वो जल्दी कंप्लीट हो गया, मतलब जल्दी एकदम, मतलब सारे सरकमस्टांसेस जो थे वो वैसे ही बन गए। तो अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, कोइंसिडेंस कह सकते हैं या फिर जो भी, जैसा भी आप देखना चाहें, आप रैशनल तरीके से देख सकते हैं, आप बिलीफ की तरह से देख सकते हैं, आप फैक्चुअल तरीके से ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, आप कैसे भी देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मेरा भी एकदम प्लान बन गया रात के 8 बजे, और रात को मैं ज़्यादा कहीं जाता नहीं हूँ लेकिन प्लान बन गया। तो जाते हैं वहाँ पर, भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ये दिल्ली में ही स्थित है आपका, पुरानी दिल्ली के पास, कश्मीरी गेट के आसपास। तो इस मंदिर के बारे में जो कुछ ज़रूरी मान्यताएं हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर आप कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है। बहुत चमत्कारी मंदिर बताया गया ये। और भगवान हनुमान जी जब पर्वत लेके जा रहे थे, जो जड़ी बूटियों का पर्वत होता है, जब लक्ष्मण जी के जो है वो मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण जी के तीर लग गया था, तो संजीवनी बूटी वाला जो पर्वत लेकर जा रहे थे, तो हनुमान जी यहाँ पर जो थे वो थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए रुके भी थे इस जगह पर, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर बना दिया गया। अब क्योंकि इस मंदिर के सामने जो है वो एक शमशान घाट भी है, तो कहा जाता है कि जब हनुमान जी यहाँ पर उतरे तो जो आत्माएं हैं, जो पुरानी आत्माएं हैं, जो मतलब दुष्ट आत्माएं हैं, उनमें खलबली सी मचने लगी, और तो हनुमान जी ने उनको भी मुक्ति दे दी, उनको भी मुक्ति मिल गई। तो ऐसा भी बोला जाता है कि अगर किसी के ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है, कोई आत्मा उत्मा का वगैरह का चक्कर है, तो इस मंदिर में आने से जो है वो बुरी आत्माएं जो है वो चली जाती है, छूट जाती है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो, आप इस मंदिर में अगर दर्शन लेते हैं आके, तो नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र जो भी हो रहे होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, उनका बिल्कुल दी एंड हो जाता है, क्योंकि ये इसी मंदिर इसीलिए फेमस है ये। और तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस मंदिर के बारे में। भगवान हनुमान जी ने जो है यहाँ पर विश्राम भी किया था। और एक चीज़ जो कई सारे लोग बताते हैं, कई साधु संत जो है वहाँ पर है, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो जमुना जी जो है वो भगवान हनुमान जी को टच करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जो है वो, क्योंकि जमुना जी के ही पास बना हुआ है ये मंदिर, तो दर्शन लेने के लिए आती हैं। तो कई बार पानी का लेवल हाई हो जाता है इस मंदिर के पास, ऐसे भी मान्यता है, ऐसा भी बताते हैं। ये तो मैंने तुम्हें वहाँ की इन्फॉर्मेशन बताई है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा, फील अच्छा हुआ। और सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा अब इसी के एक्सपीरियंस इसको शेयर करते हुए एक वीडियो डाल देता हूँ, एक वीडियो बना देता हूँ,
और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा इसको लेकर। तो ये मेरा कहना है। हालांकि मैंने कोई वहाँ पर विश वगैरह तो नहीं मांगी, क्योंकि मतलब लोग वहाँ पर मांग रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन मैं अपने ऊपर मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मतलब मुझे भगवान ने वो दे दिया है जो जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैंने कोई विश नहीं मांगी, मैं ऑलरेडी संतुष्ट हूँ। मैं ऑलरेडी जो है वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भगवान हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, और मेरा एक फ्रेंड है वो भी जो है वो बॉडी बिल्डिंग करता है वो, तो उसके लिए भी ये वीडियो डेडिकेटेड, कि और भी सारे के सारे जो लोग हैं जो भगवान हनुमान जी को मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको अपना आइकॉन मानते हैं, मॉडल मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है ये। सो जस्ट एक नॉर्मल सा ये एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी मच।